गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सरवत वलीम। वो कहते हैं ना, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। कहते तो कि प्यार से हैं, मगर प्यार से बनाए हुए कई नाम आपकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर डाल देते हैं। वो चाहे बिगाड़े हुए नाम हो या फिर आपके प्यार से रखे गए नाम हो, आपका असल नाम ही आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है, आपकी पहचान बनता है। मगर जब हम प्यार से या बिगाड़ने की इस नीयत से बच्चों के नाम को दाएँ बाएँ कर देते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह के नाम उनके इस तरह के अलकाबात देते हैं जिसकी वजह से वो मशहूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दोस्त उन्हें उनके असल नाम की बजाय उनके बिगाड़े हुए नामों से ही पुकारते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की शख्सियत मुतासिर होती है। जब हम जिस तरह से हम कहते हैं कि किसी का कोई नाम हमने रखा, वो उसकी शख्सियत पर ठीक ना बैठा या उसको सूट नहीं करता, तो वो शख्स, वो बच्चा बीमार होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब किसी का असल नाम लेने की बजाय आप उसके बिगड़े हुए मजाक से या प्यार से बनाए गए नाम को पुकारते हैं, तो वो नाम भी उस बच्चे की, उस शख्स की शख्सियत पर बहुत सारे असरात मुरतब करता है। तो कोशिश कीजिए कि जो असल नाम है, जो खूबसूरत नाम आपका एक चुन लिया जाता है आपकी पैदाइश के वक्त, उसी नाम के साथ उस बच्चे को आगे लेकर जाया जाए, वही नाम उसका आगे बढ़ सके। और जो हम मजाक से बनाए हुए नाम लेने की कोशिश करते हैं, उसमें तहकीर का आंसर कहीं ना कहीं पर मौजूद होता है। और उसको बिगाड़े हुए तरीके से आपके दोस्त अहबाब आपको छेड़ना शुरू कर देते हैं, आपके अपने बहन भाई आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स भी आपके साथ मोहब्बत का ही आंसर क्यों ना शामिल हो, आपके बिगड़े हुए नाम से ही आपको पुकारना शुरू करते हैं, तो आपके असल नाम ही आपके शख्सियत पर असरात मुरतब करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि किसी की तहकीर या मजाक करने के बजाय उसे उसके असल नाम से ही पुकारा जाए। तो चलिए, अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस एपिसोड को भी आगे लेकर बढ़ते हैं। तो हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर वो चीज़ जो इसके लिए ज़रूरत होती है या जिसका जानना हमारे देखने वालों के लिए ज़रूरी होता है, तो उसको भी बताया जाए। और मौसम के हवाले से तो हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि प्रोग्राम के सुबह सवेरे पाकिस्तान के आगाज़ पर ही एक अच्छी बात के साथ मौसम का अहवाल भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो शो को आगे बढ़ाते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं मौसम का अहवाल कि मुल्क के बड़े मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। तो सबसे पहले रुख करेंगे हम लाहौर शहर का। तो लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें, कम से कम रहेगा 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 जाएगा। लाहौर के अलावा इस्लामाबाद भी करीब करीब है इस मौसम में, क्योंकि इस्लामाबाद में भी कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26 और ज्यादा से ज्यादा 33 तक जाएगा। कराची के डिग्रीज कुछ हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत अगर बात करें तो रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जाएगा। पिशावर और कराची काफ़ी करीब करीब हैं, क्योंकि पिशावर में भी कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक जाएगा। लास्ट की बात करेंगे हम कोयटा शहर की, जहां पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। मौसम का अहवाल तो हमने आपके साथ शेयर किया, चूँकि आजकल वेकेशंस भी चल रही हैं, समर वेकेशंस हैं बच्चों की, और बहुत सारे आसपास के ऐसे इलाके होते हैं जहां पर लोगों की कोशिश होती है कि अगर समर वेकेशंस हो तो बच्चों को घुमाने के लिए लाहौर शहर लाया जाए, या फिर अगर आपके रिलेटिव्स किसी और दूसरे शहर में मुकीम है तो कोशिश की जाती है कि बच्चों को लेकर वहाँ जाया जाए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरा टाइम होता है बच्चों के लिए, स्पेशली फैमिली के लिए, मदर्स के लिए, कि वो इन छुट्टियों का वेट कर रहे होते हैं ताकि सब लोग, आप लोग स्कूल से फ्री हो सकें और कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ हो सकें।
सकें। तो इस सारे मौसम में गर्मी का ज़ोर जितना मर्जी हो, कोशिश की जाती है बच्चों को ज़ू लेकर जाया जाए, कोशिश होती है कि बच्चों के नॉलेज में इजाफा करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ ऐसे म्यूज़ियम होते हैं जहाँ पर ले जाया जाए ताकि उन्हें अपनी दरसी कुतुब के अलावा कुछ और नॉलेज भी है जो वो गेन कर सकें। तो जब हम बात करते हैं म्यूज़ियम के हवाले से या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो बहुत मेरे ख्याल में बहुत कम लोग बहुत सारी अहम चीज़ों के साथ वाकिफ़ होते हैं। अगर उनको वाकिफ़ करने की हम कोशिश करें तो आपको ये बता देते हैं कि हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, जो लाहौर शहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के वाहिद है वो प्राइवेट म्यूज़ियम है जिसके रूहे रवां हैं। और अगर इसकी बात करूँ, इसके नाम की बात करूँ तो फ़कीर खाना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। बहुत सारे लोग इस म्यूज़ियम के इस नाम से वाकफियत हासिल करने की कोशिश करेंगे। और ये भी आपको बता दूँ कि इस म्यूज़ियम यानी फ़कीर खाने को चलाने वालों जो है ये फ़कीर फैमिली से ही इनका ताल्लुक है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नवादरात मौजूद हैं, और एक ख़ास हिस्सा है उससे मुतालिक भी मैं जानने की कोशिश करूँगी। तो हम यहाँ पर अपने स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं सर, थैंक यू सो मच, फ़कीर सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहली बात तो ये कि म्यूज़ियम है बच्चों का और स्पेशली बड़ों का बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जाया जाए, तारीख़ की उन चीज़ों से वाकफियत हासिल करने की कोशिश की जाए जिनको वो शायद किताबों में पढ़ते रहे या शायद अपने बड़ों से सुनते रहे। सबसे पहले मुझे बताएं फ़कीर जी, मतलब फ़कीर खाना बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, दिलचस्प सा है, अपनी तरफ खींचने वाला है, इसकी तारीख़ क्या है और इसका नाम ये कि फ़कीर खाना क्यों रखा गया? आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर। सबसे पहली बात है जी, आपने सवाल किया फ़कीर का, ये मेरा फैमिली टाइटल है जो कम अज़ कम 200 साल से इस ख़ानदान के अंदर चलता आ रहा है। हमारे अजदाद लाहौर में आके जब सेटल हुए 1730 में, तो उन्होंने यहाँ पर एक अपना कंसर्न खोला, एक मदरसा बनाया, एक हॉस्पिटल को कायम किया, एक पब्लिशिंग हाउस बनाया, एक बहुत बड़ी फार्मेसी बनाई और उस सिलसिले से ये चलता चला जी हाँ। तो जो फ़कीरी का टाइटल है हमें बख्शा एक फ़कीर इमानत शाह कादरी ने, माशाल्लाह, तो मेरे बुज़ुर्गों ने उनके हाथ पे बैयत की थी। तो उसका मकसद ये है कि ये टाइटल हमारे ख़ानदान में औलाद नरीना में चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। और आप समझ लीजिए कि जितने भी हमारे मेल नौजवान बच्चे पैदा होते हैं, उनका नाम के अंदर जो भी बेटा पैदा होता है उसका नाम फ़कीर से रखा जाता है। बुज़ुर्गों का ख्याल था कि अगर ये आने वाली मेरी नस्ल अमीर हो जाए तो इसमें गरूर पैदा ना हो, इसलिए नाम के साथ फ़कीर, कितनी खूबसूरत तरीके से इस नाम के साथ फ़कीर जोड़ा गया जी। और अगर आने वाली नस्ल गरीब हो जाए तो ये टाइटल उन पर भारी ना गुजरे। तो मेरे बहुत ये ऐसा ही है जी, आजजी। और दरअसल ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोटो है, अल-फ़क्र फ़क्री वल-फ़क्र मिन्ना। तो उस हवाले से हम लोग अपने नाम के साथ फ़कीर लिखते हैं। सैयद ख़ानदान है लाहौर के सबसे पुराने, ना गुरूर का अंसर पैदा हो सके और ना अगर खुदा न ख्वास्ता नीचे की तरफ आए तो ना ये तजलील महसूस कर सके, वो एक आजजी का अंसर हमेशा फ़कीर इसलिए जोड़ा जाता है औलाद नरीना जी। ऐसे अच्छा सर, मुझे ये आप बताएं कि ये म्यूज़ियम जो है फ़कीर खाना जी, ये कब बनाया गया और कितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट हैं जो स्पेशली आते हैं और इसको इंजॉय करते हैं, इसकी तारीख़ के बारे में जानते हैं? इसकी शुरुआत आप समझ लीजिए कि 1780 के दरमियान हो चुकी थी। मेरे बुज़ुर्गों ने लाहौर में पब्लिशिंग हाउस को कायम किया था, उस ज़माने में प्रेसेस नहीं थे, तो जितने भी लोग थे यू नो वी यूज़ टू री राइट दी बुक्स, किताबों को हाथ से लिखा करते थे, कागज़ भी नहीं बनता था जी। तो कागज़ इम्पोर्ट होता था उस ज़माने में, आप समझिए कश्मीर से और सियालकोट से, तो उन्होंने फिर कश्मीरी और सियालकोटी कागज़ियों को, कागज़ बनाने वालों को लाहौर में ही आबाद किया। बाजार हकीमा के सामने भल्ला कागज़ियाँ हैं जी, 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 बड़ा मशहूर, तो वहाँ पर कागज़ बन तो कागज़ भी खुद बनाते थे, स्याही भी, और फिर बुक्स कलेक्ट करते थे। और उस ज़माने में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसको मख्तूते कहते हैं वो जब इकट्ठे किए तो 10,000 से ज़्यादा मख्तूते थे। तो हमारी शुरुआत फ़कीर खाना की वहाँ से चलती आ रही है। 10,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स में से आज 1800 के करीब फ़कीर खाना में महफूज हैं। माशाल्लाह, यानी कि उनको आपने ख़ुद से महफूज किया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर नवादरात की हम बात करते हैं तो और कौन कौन सी ख़ास चीज़ें फ़कीर खाना के अंदर देखने को मिलती हैं हमें? देखिए सर, हम लोग 3 सेंचुरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, 18वीं सदी ईस्वी, 19वीं सदी ईस्वी और 20वीं सदी ईस्वी। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं मेरे ख्याल में 19वीं सदी ईस्वी की बहुत सारी हैं। ज़बरदस्त। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी सदी थी
इस सदी में फिर एक दौर गुजरा महाराजा रंजीत सिंह का, जिनकी आजकल 180th डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। जी जी बिल्कुल, अभी पिछले दिनों। एक्चुअली हम लोग अपनी तारीख को भूले हुए लोग हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारी तारीख कितनी रिच और हमारी तारीख कितनी कल्चर तारीख थी, क्या कमाल तारीख थी। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो म्यूजियम्स हैं ये अमीन है आपकी तारीख के। बिल्कुल ऐसा है, और हमें अपनी तारीख से सीखना है। फ़कीर खाना म्यूज़ियम में इस वक्त तो कोई तकरीबन 20,000 के करीब एंटीक्स मौजूद हैं, आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें फन मुसव्वरी के नादर नमूने, मिनिएचर पेंटिंग्स जिसको हम बोलते हैं, और तमाम स्कूलों से ताल्लुक रखते हुए, मुग़ल से लेकर और रियासती तर्ज मुसव्वरी से लेकर तमाम थॉट्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो जो काम अगर आप देखें, अपने असाज़ा का काम देखें, तो अकल दंग रह जाती है। क्या क्या खूबसूरत हमारे असाज़ा ने काम किया, वी कैन फील प्राउड ऑफ इट। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बात की, हमें अपनी तारीख से आगाही की ज़रूरत है। अभी कितने ऐसे स्टूडेंट्स या कितनी ऐसी फैमिलीज़ आपको लगती हैं कि इस प्यास के अंदर वो इस म्यूज़ियम में आती हैं कि अपनी तारीख बच्चों को बता सकें और जो वो ख़ुद भूल चुके हैं वो उनको याद आ सके। देखिए ऐसे कितने लोग आते हैं जिनका इंटरेस्ट हमें देखने में नज़र आ रहा होता है कि कितने खुशी से और दिलचस्पी से देखें। देखिए सरवत, मैं तो ये बात करूँगा कि वी आर नॉट कनेक्टेड टू आर रूट्स प्रॉपरली। हम लोग अपनी रूट से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। हमारी कौम को तो ये नहीं पता कि जो मैं उर्दू बोलता पढ़ता या लिखता हूँ तो इसके स्क्रिप्ट का क्या नाम है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हम कुरान पाक पढ़ते हैं मगर ये नहीं पता कि कुरान पाक के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसका क्या नाम है, वो मफहूम क्या है, वो तशरीह। नो नो, नॉट एट ऑल। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट से मुराद मेरे है फॉन्ट। उस फॉन्ट का क्या नाम है? हाँ, ये मतलब ये एक ऐसी बात है कि जिसके लिए आपको कोई स्कूल कॉलेजेस ये मदरसों में जाने की या आर्ट स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कौम भूली हुई है कि हमारे स्क्रिप्ट का क्या नाम है। हमारे स्क्रिप्ट उर्दू का नाम है नस्तालीक। बहुत ही खूबसूरत नाम है ये, लेकिन बहुत कम लोग, कम बच्चे, अब स्कूल्स में भी शायद इतनी अवेयरनेस नहीं दी जाती, बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ हैं। ये मेरा ख्याल है बात स्कूल की नहीं है, ये घरों की तरबियत की बात है। हमने घर से सुनना था कि नस्तालीक, तो भाई आप कितनी नस्तालीक शख्सियत के मालिक है, ये दो लफ्ज़ों का मजमू है, तो नस्का और तालीक का। और शायद आज आप किसी भी नौजवान से भी ये बात करें तो उसे कभी नहीं समझ आएगी कि आपके इस जुमले का मतलब क्या है। जी बड़ी अजीब बात है, ये जुमला को गैर नहीं है, ये हमारा अपना है, अपना है, और हमारे स्क्रिप्ट का नाम है ये, हमारी फॉन्ट का नाम है ये। तो जिसको हम भूले हुए हैं, ये ख्याल नहीं किया। अब कुरान पाक के हवाला है, तो कुरान पाक जो आपके घर में मौजूद है उसका स्क्रिप्ट का नाम है नस्ख। अब बड़े मज़े की बात है, ये नस्ख किसने इजाद किया, कब बना था, ये कैसे बना था? क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान पाक लिखा गया तो वो ख़त कूफ़ी में लिखा गया, और 400 साल तक वो कुरान कूफ़ी में लिखा जाता था, जो सिर्फ अरबी पढ़ सकते जी, थे जी, जी। और अजमी उसको नहीं पढ़ सकते थे। बिल्कुल, तो ये हमारे इस्लाम के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे इब्ने बुखला, जिन्होंने ये नस्ख इजाद किया 400 साल के बाद और कुरान को आम किया और मुख्तलिफ लोगों तक उसकी रसाई हो सके ताकि वो भी आराम से इसको पढ़ सके। अच्छा सर, मुझे ये भी आप बताएं कि म्यूज़ियम कितने हिस्से पर आपका ये मुश्तमिल है और इसके म्यूज़ियम के अपने कितने हिस्से हैं अंदर? म्यूज़ियम का एक हिस्सा तो मैं भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। तो आप खुद आप दरअसल जी, आई वॉज बॉर्न इन म्यूज़ियम। ये हवेली है जो तकरीब जिसको बोलते हैं राजा टोडरमल की हवेली है। अच्छा। ये राजा टोडरमल थे, अकबर के दौर के वजीर थे, जो रेवेन्यू के वजीर थे, बड़े ही इंटेलिजेंट लोग थे। ये उनकी हवेली कहलाई गई है, इसका कोई एविडेंस मेरे पास मौजूद नहीं है, मगर लोग कहते कि ये हवेली उनसे मंसूब की जाती है। फिर 1730 में इसको मेरे बुजुर्गों ने एक्वायर किया था और यहीं पे रहना शुरू किया था। बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें 100 कमरे थे, आधा हिस्सा गिर चुका है। अच्छा। और बाकी जो हवेली है उसके अंदर मेरे दादा परदादा ने एक म्यूज़ियम कायम कर लिया था। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, इसका मैंने सुना है फ़कीर खाना म्यूज़ियम के एक हिस्से को दरबार आली भी कहा जाता है। अरे वो तो बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है। उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। आपने बताया तो मेरे दरबार आली जी, दरबार हुसैनी भी नाम है उसका, दरबार आली भी, अस्ताना आलिया भी है वो। बिल्कुल उसके अंदर मेरे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कलेक्शन जो फ़कीर खाना का है वो है तबरुकात मुबारका का। हाँ जी। ये वो तबरुकात हैं जो तैमूरी तबरुकात कहलाते हैं, और आ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के अच्छा। उनके ख़ानदान के
آئمہ کے صحابہ اکرام کے کچھ 47 کے قریب ان کی نشانیاں ان کی چیزیں وہاں موجود ہیں جو سال میں صرف ایک دفعہ کھولتے ہیں. اچھا تو یہ سال میں سر اس کو ایک دفعہ کھولا جاتا ہے, تو کیا جو لوگ آنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آپ اس کا راستہ ہموار کرتے ہیں؟ الحمدللہ جی, الحمدللہ دس از یہ ورڈ آف ماؤتھ سے ہے, جتنے بھی لوگ آئے اس کا بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے. خواتین کا خاص موقع ہوتا ہے جب اس حصے کو کھولا جاتا ہے, اور لوگوں کو آپ اگر بتا سکیں کہ کب اس حصے کو کھولا جا سکتا ہے. ہمارا جی ٹرسٹ ہے میوزیم اور بورڈ آف ٹرسٹیز ہے, اور ان کی اجازت سے یا ان کے مشورے سے ہم لوگ سال میں ایک دفعہ, کیونکہ بزرگوں سے ایک روایت چلتی آ رہی ہے, ہم 9 محرم چھٹی والا دن ہوتا تو اس دن کھول لیتے ہیں. اچھا تو اس پھر اس کو سجاتے ہیں, رکھتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے, پھر اسی کو دوبارہ پیک کر کے سیف الماریوں میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہ جو یہ حصہ ہے ہر خاص و عام کے لیے کھولا جاتا ہے؟ ہر خاص و عام کے لیے کھولا جاتا ہے جی. ہم وہاں پہ خواتین بھی جا سکتی ہیں, خواتین جا سکتی ہیں, بچے جا سکتے ہیں, بزرگ جا سکتے ہیں. بڑا اور اگر سر میں لاسٹلی آپ سے یہ پوچھوں, اگر میں کچھ ایسی منفرد چیز کا پوچھوں جو واقعی میوزیم میں تو ویسے ہی تمام جو نوادرات ہوتے ہیں, جو تبرکات آپ بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ منفرد ہوتے ہیں, مگر کوئی ایسی خاص چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میوزیم میں سب سے زیادہ منفرد ہے وہ کون سی ہے؟ یہ تو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ تبرکات مبارکہ. ہاں اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں, جس میں آپ سمجھ لیجئے اب اس میں کیا ہیں, کیا کیا چیزیں, تو وہ میں چند آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی سر پلیز بتائیے. جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں, خوبصورت بہت خوبصورت, آپ کا جبہ ہے, آپ کا پانی پینے سا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک ہے, آپ کی نالائن پاک ہے جس کا دوسرا حصہ لاہور پاشیہ مسجد میں تھا. سر ان کی صفائیوں کا مطلب صفائی کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے کوئی خاص کرتے ہیں اس کی مینٹیننس وغیرہ, اس کی چیزیں اپنی اصل حالت میں موجود رہیں, اس کے لیے کتنی محنت درکار اور کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ بالکل ضرورت, میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا اس بار 9 محرم تشریف لائیے. انشاءاللہ ہم ضرور تشریف لائیں گے. اس کی صفائی دربار کی تو رہتی ہے, مگر یہ جو چیزیں ہیں ہم ان کو ٹچ ہی نہیں کرتے پورا سال. یہ جو دربار عالی کا حصہ ہے, اٹ از ان سیف اینڈ لاک اینڈ کیز, تو اس کی صفائی صرف ایک دن پہلے ہی ہم کھول کے کمرے کو گلاب کے رس سے غسل دیتے ہیں اور اس کی پھر اس کی ڈسپلے کرتے ہیں. تو یعنی کہ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے جس کو سر انجام دیا جاتا ہے, اور وہ ہمارے تمام دیکھنے والے جو واقعی یہاں پر جانا چاہتے ہیں, فقیر خانہ میوزیم کو دیکھنا چاہتے ہیں, جس طرح سے فقیر سیف الدین صاحب نے بتایا کہ آپ آ سکتے ہیں, مگر اگر آپ دربار عالی وہ خوبصورت حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سر 9 محرم کا دن آپ نے چنا ہوا ہے. سر این اے میسج جو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ دے سکیں؟ عرض ایسے کہ جی میں آپ لوگ اپنے بچوں کو لے کے میوزیمس میں ضرور جائیں. میوزیمس میں آپ کی پوری تاریخ پہ نام ہے, میوزیمس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ میوزیمس کے اندر آپ بچوں کو اور آنے والی نسل کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کیا کیا کام تھے, ان کے فن پارے کیا تھے, ان کے سلسلے کیا تھے, ان سے ایجوکیشن اتنی زبردست ایجوکیشن حاصل ہوتی ہے. میں تو ہمارے یہاں اسکولوں اور کالجوں کے بچے بڑے آتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہم لوگ میوزیم دکھاتے ہیں بیسکلی. اچھا تو بہت سیکھ کر کے جاتے ہیں, یہ دس از دا پلیس آف لرننگ. تو اگر میوزیم سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو میوزیم کا مقصد ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے سر, کہ یہ ساری صورتحال اسی طرح سے ہوتی ہے. وہ تمام لوگ جو اتنی پیاس اپنے اندر رکھتے ہیں باقی کہ انہیں اپنے کلچر سے متعلق آگاہی ہونی چاہیے, انہیں اپنی تاریخ سے متعلق ان کی بنیادیں کہاں سے جڑی ہوئی ہیں, تو کوشش کریں اس کے لیے اپنے بچوں کو آپ میوزیم لے کر جائیں. وہاں پر آپ کو تاریخ کے وہ نادر نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں, وہ تاریخ جاننے کا موقع ملتا ہے جو شاید کبھی بھی آپ کی پیاس جو آپ کے اندر ہوتی ہے اس کو بجھانے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج صبح سویرے پاکستان میں یہ ممکن ہی نہیں کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے بات ہو اور صبح سویرے پاکستان میں اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. 1992 کی اگر میں بات کروں تو اس میں انگلینڈ کی کوئی خاص پوزیشن نہیں تھی, اور کل جو ہم نے میچ دیکھا وہ بڑا زبردست تھا کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جو میچ ہوا اس میں کہا جا رہا تھا کہ وننگ پارٹی میں بھی آسٹریلیا ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ کافی تگڑی ٹیم مانی جا رہی تھی. مگر انڈیا کے انگلینڈ کی جو ٹیم ہے یہ پہلی مرتبہ آپ کو بتایا کہ کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں فرسٹ ٹائم یہ پہنچی ہے, اور اس کا مقابلہ جو ہوگا یہ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوگا. اور یاد رہے کہ دونوں ٹیموں نے
आज तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो ये मैच तो होने जा रहा है इंटरेस्टिंग कि क्या बनेगा इस मैच का, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि सेकंड टाइम जो इंग्लैंड पहुंच गया इस फाइनल में वर्ल्ड कप के, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। किवीज के और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला होगा डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और देखना ही होगा कि वाकई वर्ल्ड कप कौन लेकर अपने घर जाता है। इसके साथ ही बात करते हैं उस खास नाम की, उस खास लेजेंड की, जिनके हवाले से सुबह सवेरे पाकिस्तान में हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि वो खास शख्स जो है कोई भी उस दिन की मुनासिबत के हवाले से हो तो वो आपके साथ हम शेयर करें। बहुत सारे लोग हैं जो जैद बुखारी साहब के नाम से वाकिफ़ ज़रूर हैं मगर ये नहीं जानते कि जैद बुखारी साहब कौन सी शख्सियत थे, उनके क्या ख़ास काम थे या पाकिस्तान के लिए उनकी क्या खिदमात थी, वो शख्स कौन थे। तो आज हम आपको बताते हैं जैद बुखारी साहब से मुतालिक कि वो पाकिस्तान के ना सिर्फ मुमताज़ शायर थे, सदाकार थे, बल्कि नामवर रेडियो ब्रॉडकास्टर भी थे। आज उनकी 43वीं बरसी मनाई जा रही है। बच्चे के पैदाइश के वक्त सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग मरहला होता है, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जिसमें लेते हैं और उसके अपने पेरेंट्स, पूरा फैमिली, उनकी पूरा ख़ानदान जो इंटरेस्ट अपना शो कर रहा होता है, वो ये फ़ौरन से शुरू हो जाता है कि बच्चे के पैदाइश के वक्त उसका नाम क्या रखा जाए। और नाम रखने के लिए मुख्तलिफ सजेशंस भी आती हैं, जैसा से हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको दिखाया, फूफों की कोशिश होती है कि वो बच्चे का नाम रख सकें, नाना नानी, दादा दादी, वो अपनी पसंद का नाम रखना चाहते हैं और माँ बाप जो हैं वो भी समटाइम अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का नाम रख ही लेते हैं, किसी तौर का हो जाते हैं। मगर यहाँ पर ये बात हो रही है बच्चे का नाम रख देना काफ़ी नहीं होता, एक अच्छा, एक खूबसूरत नाम होना चाहिए बच्चे की शख्सियत के हवाले से, ताकि वो बच्चे की शख्सियत को निखार सके, उसकी तमाम खूबियों को यकजा कर सके। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो शायद इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं कि बच्चे का अच्छा और खूबसूरत नाम किस तरीके से रखा जा सकता है, इस्लामिक लिहाज से किस तरह से रखा जा सकता है, और इसके साथ साथ बच्चे की पैदाइश का वक्त, उसका सितारा कौन सा सयारा बन रहा है और बच्चे के लिए क्या अच्छा है, उसको देखते हुए उसके वक्त की मुनासिबत के हिसाब से उसका नाम और इल्म आदात के हिसाब से बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, मगर वो तमाम लोग जिनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला या हो चुका है या अपना नाम वो बच्चे का रखना चाहते हैं तो वो भी फ़ोन उठाए, कॉल मिलाए, क्योंकि वन एंड ओनली हमारे पास बहुत ही सीनियर, जाना पहचाना नाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर मैं सिर्फ उनके नाम का एक वर्ड कहूँगी तो यकीनी तौर पर देखने वाले समझ जाएंगे कि आज हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान में इस सेगमेंट के लिए किस खास मेहमान को हमने चुना है। तो हम वेलकम करेंगे हुमायूं महबूब साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ नाम हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इनको बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच हुमायूं भाई, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अच्छा हुमायूं भाई, सबसे पहले ये कहा जाता है कि बच्चे का नाम रखा जाए, बच्चे का नाम अच्छा होना चाहिए, अच्छा नाम होता कैसा है ये आप हमें बताएं। देखिए, नाम से मुराद ये होती है, सबसे पहले तो इसका इस्लामिक पहलू देख लें कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुसलमान माँ बाप अपने बच्चे को जो सबसे अच्छा और पहला तोहफा देते हैं वो एक इस्लामी और बामानी नाम होता है। तो नाम की इतनी अहमियत है। और फिर नाम जो मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि बच्चा जो है किस तारीख को पैदा हुआ, उसका महीना क्या था, उसकी तारीख क्या थी, तो उसके हिसाब से फिर जो लफ्ज़ उसको सूट करता है वो नाम रखने की तजवीज़ देता हूँ। और तीसरी बात ये होती है कि मिसाल के तौर पे आप पैदा हुए आतिशी बुर्ज के अंदर, अच्छा, फायरी साइन में आप पैदा हुए, अब मैं आपका नाम रख दूँ वाटरी साइन का, तो पानी और आग जब भी आपस में मिलेंगे तो क्या पैदा होगा, भाप पैदा होगा। हाँ। शख्सियत गैर मुतवाजिन होने लगेगी, इंसान की शख्सियत में आप ये कह लें कि उसको थोड़ा सा मुश्किलात आने लगेंगी ज़िंदगी में। अब अगर मैं उसकी शख्सियत उसके तारीख़ पैदाइश के हिसाब से उसका नाम रखता हूँ तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो उसकी ज़िंदगी में एक पुश मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ भी पुश कर रही होगी, नाम भी पुश कर रहा होगा, ये होता है असल। ये असल में एक अच्छा और ख़ूबसूरत नाम होता है। अच्छा हुमायूं भाई, ये भी कहते हैं कि चलिए ये तो अच्छा नाम हो गया, बहुत सारे लोग सिर्फ जो बच्चे का नाम इसी तरह से रख देते हैं कि हमें ये नाम अच्छा लग रहा है, वो नाम अच्छा लग रहा है, नाम की अहमियत भी ज़रा लोगों के सामने वाजे करें कि एक बच्चे की शख्सियत पर नाम की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है।
دیکھیں نام کی اہمیت گو کہ میری جو ویدک اسٹرالوجی ہے اس میں تو اتنی اہمیت نہیں ہے، مگر اس نام کی اس دنیا میں اور دنیا کے بعد آخرت میں بڑی اہمیت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب انسان کو پکارا جائے گا یا جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس کے نام اس کی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. اور پھر یہ جو آج کل کے دور میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ نک نیم بنا دیے، پپو، پپی، ٹپی، ٹپو، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنے بچے کی شخصیت کو ڈسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک جسے کہتے ہیں اچھی خاصی اللہ تعالیٰ نے شخصیت دی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ نام جب رکھتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں جو میرا پرسنل آبزرویشن ہے، آج ماشاءاللہ سے اس اسٹرالوجی کو کرتے ہوئے عرصہ ہو گیا کہ نام کا ایک تو شروع کے 5 سال تک بہت اثر ہوتا ہے، پھر نام کا 42 سال کے بعد انسان کی شخصیت پہ اچھا خاصا اثر ہوتا ہے، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو انسان کی قسمت پہ تقریباً، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ تو اپنی جگہ ہے جو اس کے ذائقے یا اس کی کنڈلی کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، لیکن نام کا پوری زندگی میں جو عموماً میرا آبزرویشن اور ایکسپیرئنس ہے وہ 20 سے 25% اثر انسان کی شخصیت اور قسمت پہ پڑتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا مائی بھائی، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان سے بھی ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں. ہمنا ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی ہمنا، بات کیجیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا ان سے بات کرنی ہے، میرا بیٹا ہے، اس کا نام حنزلہ ہے، حنزلہ نام رکھا ہے. اس کی ہے نا 5 اگست کو پیدا ہوا تھا، جمعرات کے دن 5:30 بجے. اس کو غصہ بہت آتا ہے، پڑھائی سے بالکل وہ بے چارے، پڑھنے میں بہت اچھا ہے، ایکٹیو بھی ہے وہ، مگر وہ پڑھنے سے بہت بھاگتا ہے، اور ہے نا غصہ بہت آتا ہے، بدتمیزی بہت کرتا ہے، یعنی کہ بڑوں کے ساتھ. چھوٹا ہے ابھی، تقریباً 8 سال کا ہے وہ. تو مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ نام اس پہ صحیح ہے حنزلہ، اور پیار میں اس کو ٹیپو کہتی ہوں. اچھا میری بہن ہمنا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، ہمایوں بھائی آپ کو سن رہے ہیں. جی ہمایوں بھائی، یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا بتائی انہوں نے؟ 5 اگست جمعہ رات کا دن شام 5:30 بجے یہ بچہ پیدا ہوا. دیکھیں انہوں نے نام تو، ظاہر ہے میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوتا، پھر پوری اس کی قسمت دیکھ لیتا، لیکن یہ کہ نام برا نہیں ہے، لیکن جو ساتھ عرفیت انہوں نے رکھی ہوئی ہے نا، یہ غلط ہے. حنزلہ کی بجائے آپ اس کا نام حمزہ رکھ سکتی ہیں، ہمایوں رکھ سکتی ہیں، ہاشم رکھ سکتی ہیں، یا حامد رکھ سکتی ہیں، یہ رکھ لیں، کیونکہ معاف کیجیے گا، حلوے والی جو ہے نا اس سے آپ نام رکھ لیں تو اس کا عدد تھوڑا سا ہیوی ہو جائے گا. اور دوسرا، یہ بچہ آپ نے خوش قسمتی سے، اس کا نام کا پہلا ورڈ تو آپ نے بالکل صحیح رکھا ہے، لیکن صرف نام کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں. اور جہاں تک آپ نے غصے کی بات کہی تو غصے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے، اللہ کا ایک اسم الہیہ ہے، الرؤوف، یا رؤوف ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، روزانہ ایک تسبیح پڑھ کے اس پہ تھوک دیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ فرما بردار بن جائے، یہ تو میں فار ایوری ون بتا رہا ہوں، اول و آخر درود پڑھ کے اور تقریباً اس میں 9 مرتبہ سورہ القارعہ اور سورہ القریش پڑھ کے انشاءاللہ تعالی آپ بچے پہ پھونک دیں. اللہ نے چاہا تو پنچن پاک کے صدقے بچے کا غصہ بھی صحیح ہو جائے گا اور اس کے اندر نافرمانی کی عادت ختم ہونے لگے انشاءاللہ انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ مسز طاہر موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی مسز طاہر، بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ہمایوں بھائی سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی ہمایوں بھائی سن رہے ہیں، بات کیجیے. جی جی پروگرام کی تعریف کرنا چاہ رہی ہوں. جی مسز طاہر کی آواز ہم تک ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی، دوبارہ سن سر رابطہ بحال ہوگا تو بات کریں گے. بالکل بالکل ہمایوں بھائی، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے مسز ذیشان، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی مسز ذیشان، بات کیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام رخسانہ ذیشان ہے. جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، یہ 7 جون 2002 میں پیدا ہوا، 10:30 بجے رات کو، ہفتے کی رات. جی تو یہ تھوڑا ضدی ہے اور ہے، جینیس ہے، لیکن یہ ہے کہ بات بہت کم مانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کم مان.
अच्छा, इसका आपने कहा इसका ये पैदा हुआ 7 जून को, आपने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम हसन जीशान। नाम क्या रखा आपने? हसन जीशान। अच्छा, अब देखिए, नाम तो हसन तो बहुत मुतबर्रिक नाम है, मगर बात ये कि आया, ये तो खैर मुकद्दस नाम है, वो चीज़ एक तरफ, लेकिन आप ना, आपका जो बच्चा पैदा हुआ है 7 जून को, आपको मैं, अब जाहिर है उम्र तो थोड़ी बड़ी हो गई, नाम चेंज करना मुश्किल होगा, तो आप इसका नाम बी या डब्ल्यू, इंग्लिश का बी या डब्ल्यू, जिसे उर्दू में आप कह लें वाओ, वाओ रख लें, आप इसका नाम बी से रख सकती हैं। अच्छा, अब नाम आप तब्दील कराएं ना कराएं, लेकिन इसकी कॉलिंग रख लें, यानी उर्फियत रख लें बी से, डब्ल्यू से, बी से। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, एक बात मैं आज बड़े काम की पूरी जनरल पब्लिक को एक टिप दे रहा हूँ, हमेशा उस नाम का बच्चे के ऊपर असर ज़्यादा होता है जो नाम उसकी माँ, उसकी बहन बड़ी, उसकी खाला, उसकी नानी उसको कॉल करे, जो मैटरनल साइड से कॉलिंग होती है उस नाम का शख्सियत पे और हमारे इस्लामी लिहाज से भी उसके ज़्यादा असरात होते हैं। आपने देखा होगा ना, खातून हमेशा बच्चे से ये क्यों पूछा जाता है कि उसकी मादरी ज़बान क्यों है, मादरी ज़बान क्या है, ये क्यों नहीं पूछा जाता कि इसकी पिदरी ज़बान क्या है, बाप की ज़बान क्या है, वो पसे पुश चली जाती है। तो माँ की ज़ुबान बच्चे के जिस्म में, उसके दिमाग में सबसे पहले आती है, इसी तरह जो माँ कॉल करती है बच्चे को, उस नाम का असर बच्चे पे सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, हमारे भाई, हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद हैं, ज़रा जल्दी जल्दी हम आंस कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलर्स मौजूद हैं जो कोशिश करना चाह रहे हैं कि हमारे भाई से हमारी बात हो सके। वाजिद हमारे साथ टेक्सला से मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी मेरे भाई वाजिद, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कैसे हैं? जी जी, सुन रहे हैं हमारे भाई। बस भाई, अल्लाह का करम, आप सुनाए कैसे हैं? जी करम है सर आपका। अच्छा, मेरी बेटी का नाम है नैनिश माफिया रखा है हमने ना, अभी उसकी 6 साल एज है। क्या रखा है, दोबारा रिपीट कीजिए, क्या नाम रखा है? नैनिश माफिया। नैनिश माफिया, ठीक है, या मेहदी? नैनिश का मतलब था। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है सर जून है उसकी, 29 तारीख है उसकी ना, तो 29 उसका बस हफ्ते वाले दिन वो 3:30 बजे पैदा हुई थी। अभी वो हम जानना चाह रहे हैं, वो बीमार रहती है, कभी खांसी है, कभी जुकाम है, कभी कुछ है, कुछ नाम की वजह से तो नहीं कोई मसला? नाम आपने उसका, देखें अब ये बच्ची पैदा हुई है किसी और बुर्ज और किसी और उनसर के साथ, और आपने इसका नाम रख दिया मीम से, जो कि फायरी साइन है, तो जाहिर है आप देखें कि जब आग का या पानी का या आग का हवा का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो चीज़ भड़केगी। तो आप इसका नाम, जैसा कि अभी मैंने कहा था, अल्लाह आपका भला करे, इस बच्ची का नाम जो होना चाहिए आप वो रखें के से या क्यू से, के फॉर कराची, क्यू फॉर कुरान, इससे कारिया नाम रख लें, किंजा नाम रख लें, या जो भी आप, 1000 नाम आपको मिल जाएंगे, तो नाम को तब्दील कर लीजिए, अगर डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं तो डॉक्यूमेंटेड कर लें, और अगर कॉलिंग में चेंज कर सकते हैं तो कॉलिंग में कर लीजिए, उससे शख्सियत पे एक मजबूत असर मुरतब होने और वो अच्छा असरात छोड़ेगी आपकी बेटी के ऊपर। थैंक यू सो मच वाजिद, आपने हमें कॉल की। एक और कॉलर हमारे साथ हिना फैसलाबाद से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। एक मिनट कॉलर को होल्ड पे। जी जी जी, हमारे भाई मैं सुन रही हूँ, बात कीजिए। आप देखिए, इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो असर होता है वो क्या होता है? लफ्ज़ों का ही तो असर होता है ना, इंटेंसिटी लफ्ज़ों की तो होती है ना। मैं आपसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में उसके कुछ और असरात आ रहे हैं, मैं अभी गालियाँ देना शुरू कर दूँ, बुरा भला कहना शुरू कर दूँ, तो मैं तो लफ्ज़ ही डिलीवर कर रहा हूँ ना, लेकिन वो लफ्ज़ों की कुव्वत कितनी होती है कि इंसान के दिमाग पर पड़ रही होती है। और हम जो अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, या हम कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, या नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो अल्फाज ही की डिलीवरी तो होती है, तो ये लफ्ज़ों की बड़ी कुव्वत
ضرورت اور اہمیت ہے. جو اس کو نہ سمجھے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ میری سمجھ میں وہ بیچارہ نہ سمجھے. تو عقل و شعور کے ساتھ ان لفظوں کے بارے میں, ناموں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں مائی بھائی. اس وقت کالر ہمارے ساتھ ہینا فیصل آباد سے, ان سے بات کرتے. جی ہینا بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات میم, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. ہیلو. جی جی بات کیجیے, ہم سن رہے ہیں, بات کیجیے. جی میرا نام ہینا ہے, میری 5 اگست 1992 میری ہے پیدائش, اور رات کے 10:30 ہے. اور میرے نام کے حوالے سے کہ 3 سال ہو گئے شادی کو. پہلے تو رشتے کے ریلیٹڈ بہت زیادہ پریشانی تھی, الحمدللہ اب 3 سال ہو گئے شادی کو ہو گئی, لیکن اب میرے بیبی کا مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, 3 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے. تو بہت زیادہ رپورٹس بھی وغیرہ کلیئر ہیں. اب یہ نام کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے کچھ, میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ موجود رہیے, ہمایوں بھائی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی ہمایوں بھائی, کون سی اگست انہوں نے کہا؟ چلے ہمایوں بھائی, انہوں نے کہا کہ 20 اگست کون سی تھی؟ 20 اگست کو 10:30 رات کو پیدا ہوئے. ہاں اب دیکھیں, ٹائم کی تو ضرورت نہیں ہے نام کے لیے, تو میں بغیر نام کے لیے تو ایسے ہی بتا دوں گا ٹائم آف برتھ کے بغیر, وہ لیپ ٹاپ میں ضرورت ہوتی ہے. تو ان کا نام, اب آپ قسمت سے دیکھیے کہ ان کا نام ہونا چاہیے تھا میم سے, ایم سے, اور ان کا نام رکھ دیا گیا ہینا, ہے سے, جو کہ ان کا 12 برج پڑ رہا ہے. تو وہ کیا کرے گا, تھرو آؤٹ لائف ان کی زندگی میں ٹینشن, پرابلم, مینٹلی پریشانیاں رہیں گی. اگر یہ چینج کر سکتی ہیں اپنا کالنگ نیم تو وہ چینج کر لیجیے. اور جہاں تک ان کو اولاد نہیں ہو رہی, اس کے لیے ڈیفینیٹلی ان کے اس خانے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا. لیکن اس کا سب سے بڑا حل ہے کہ ایک میں آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں, اور ایک اللہ بھلا کرے آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں. آپ نے عموماً سنا ہوگا بازار میں, کراچی میں تو اویلیبل ہے, لوگوں نے سن سن کے اب وہ بنانا شروع کر دیے. چلو اچھا, لوگوں کے کام آ رہا ہے. بہڑ, بہڑ آپ نے ایک پودے کا نام ہوتا ہے, بہڑ کا دودھ ہوتا ہے, اس کی ایک دوائی بنتی ہے, یہاں تو کراچی میں تو آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے. وہ لا اولاد جوڑوں کو وہ دی جاتی ہے, لیکن آپ اس اگر وہ استعمال کریں, اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, اگر وہ نہ بھی کرے تو دودھ پہ, پانی پہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ, درمیان میں 101 مرتبہ پڑھنا ہے, یا مصبرو, یا باریو, یا خالقو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, اور 41 مرتبہ سورہ کوثر اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بستہ پنچن پاک اولاد کے لیے دعا کرے. انشاءاللہ اگر دعا اولاد آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو آپ کو ہر قیمت پہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ بازگاہ بھی موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی بازگاہ بات کیجیے. وعلیکم السلام. جی میں, میرا نام بازرہ امتیاز ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی بات کیجیے. میرا میری شادی کو 10.5 سال ہو چکے ہیں, اور میرا بھی یہی مسئلہ ہے کہ مجھے, میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, میرے کافی پرابلمس ہیں. میں نے ہر طرح کی کوشش کی ہے, میڈیسن بھی بہت کھائی ہے, درباروں وغیرہ پہ بھی گئی ہوں, لیکن مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا. اچھا, ابھی ہمایوں بھائی نے بتایا, مزید بھی پوچھ لیتے ہیں. ہاں دیکھیں, آپ درباروں کی جو بات کر رہی ہے, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو کراچی میں میرا آفس پہ کال کر لیجیے گا. اور ایک چیز خاتون ذرا بول دیجیے, میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ نا آپ کے شہر میں میرے نام سے فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں چیتروں کی. جی بالکل, میں انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ بالکل انٹرٹین نہیں کرتا, وہ چیٹر بیٹھے ہوئے. تو مجھ تک میرا آفس ہے, یا میرے چینل پہ آپ کر سکتی ہیں کال, یا یہاں کر سکتی ہیں. اب آپ سنیں, آپ کو جو درباروں پہ جانا چاہیے بالکل جانا چاہیے. اور دوسری چیز یہ, میں بھی لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں, آپ کے لاہور میں تو بے شمار بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ ہیں, حضرت گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ, میاں میر رحمۃ اللہ علیہ, پنجاب تو بھرپور ہے, فرٹائل ہے صوفیوں کے حوالے سے. تو یہاں جب آدمی جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے, یہ وہ ولی اللہ ہوتے ہیں جنہوں نے فنا فی اللہ کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت گھٹیا ایمان کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے مزارات پہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا ہر وقت نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو انسان جب جاتا ہے اپنے غلاظت بھری روح کو لے کے,
के, तो वहाँ कुछ जैसे मैं आपको कहूँ खातून आप बारिश में बाहर निकले आप छतरी भी ले लें, कहीं ना कहीं बूंद तो पड़ जाएगी आपके हाँ। जिस्म के ऊपर है ना, तो इसी तरह उनके नूर की किरणें आपके जिस्म पे मुरतब होती है तो नेगेटिविटी का ऑरा टूटने लगता है, ये वजह होती है। और मांगा सिर्फ अल्लाह ही से जाता है लेकिन सत्य से या उनके वसीले से अल्लाह ताला रहम फरमा दे। एक चीज़ दूसरी चीज़ खातून, डेफिनेटली मैंने अभी लैपटॉप तो नहीं है लेकिन मेरा जो दिमाग कह रहा है वो डेफिनेटली आपके जो खाना है इतफाल है यानी जो आपका हाउस ऑफ किड्स है उसके अंदर डेफिनेटली कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है जो आपके अंदर बच्चे को कंसीव नहीं होने दे रहा। तो इसका एक मैं और टोटका बता रहा हूँ, हमेशा मैं औरतों को कहता हूँ जिनको बच्चों का प्रॉब्लम होता है अपनी ज़िंदगी से वक्ती तौर पे जब तक आप माँ नहीं बन जाती रेड ब्लू ब्लैक कलर ये तीन माइनस कर दें। इनका ऑरा जो होता है ना बाल दफ़ा औरत के लिए बड़ा नेगेटिव पड़ा होता है। और वजीफ़ा आप वही पढ़ें जो मैंने अभी आपसे पहले एक कॉलर को बताया था, अव्वल व आखिर दुरूद 11 टाइम और दरमियान में 101 मरतबा या मुसब्बिरो या बारियो या खालिको एक नाम और लगा लें आपके नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐड कर रहा हूँ, या शहीदो ये भी अल्लाह का नाम है और या रहमानो या रहीमो, ये जो दो आखिर में अल्लाह के नाम बोल रहा हूँ ना इनके पीछे बड़ी कमाल बातें हैं। और 41 मरतबा सूरह इखलास और 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको ज़रूर औलाद देगा। और फिर देखिए हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है कि ऐ ईमान वालों मैं जिसको चाहता हूँ लड़के देता हूँ, जिसको चाहता हूँ लड़कियाँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ दोनों देता हूँ और उनमें अलावा कुछ को महरूम रखता हूँ। तो हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है कि बाज़ दफ़ा ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, मेरा तो काम ही हर वक्त यही है एस्ट्रोलॉजी का कि अल्लाह ताला किसी को माँ नहीं बना रहा। तो मैंने देखा बल्कि बहुत सारे क्लाइंट जो सुन रहे होंगे वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने कहा खातून अगर आप माँ बन जाती तो शायद आप दुनिया से उड़ जाती। ये मेरे रब की मसलियत है कि अल्लाह ताला ने आपको उस चीज़ से महरूम रखा हुआ है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औलाद ऐसी आ रही होती है जो माँ बाप के लिए जिसे ये कह लें कि दुनिया तो दुनिया दीन की ख़राबी का भी बाइस बनती है हाँ। और माँ बाप होते हैं अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक अच्छे होते हैं माँ बाप, तो अल्लाह क्या करता है अपनी मसलियत के तहत कि उनको औलाद से महरूम करके उनके ईमान को भी बचा लेता है और उन पर रहमत भी कर देता है। तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, मगर वइन्ना लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान जितनी कोशिश करता है अल्लाह ये कहता है मैं उसको उसी हिसाब से देता हूँ। तो आप अपनी कोशिश जारी रखें और कोशिश जारी रखने से मुराद है अल्लाह का कलाम और जो इलाज सुन्नत है वो ज़रूर कराएं। बिल्कुल अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, मायूसी तो वैसे ही कहते हैं कुफर है गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला के किसी ना किसी काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। और जिस तरह से माई भाई आपने भी क्लियर किया, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को क्लियर कर दें। बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जो जानना चाहते हैं बहुत सारी बातें, और बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनसे उन्हें गलत आगाही दी जाती है और गुमराह किया जाता है। तो वो तमाम हमारे देखने वाले जो हुमायूं भाई के हवाले से हुमायूं महबूब साहब के हवाले से बात करना चाह रहे हों उनके लिए बता दें कि हुमायूं भाई का कोई किसी किस्म का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, जालसाजों से होशियार है। अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, जब ब्रेक से आएंगे तो हुमायूं भाई तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे ही और वो तमाम हमारे कॉलर जो अभी कॉल नहीं मिला सके या उनकी कॉल नहीं मिल सकी तो वो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके हुमायूं भाई से बात कर सकते हैं। मगर इसके साथ साथ नाम के अलावा आपके ऊपर कौन सा पत्थर सूट करता है और पत्थर के हवाले से कहा जाता है एक थेरेपी भी है, उस थेरेपी से मुतालिक और पत्थर आपकी शख्सियत पर कौन सा सूट करता है, किस रंग का होना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, किस तरह से उसका इस्तेमाल और उसको किस उंगली में पहना जाना चाहिए, तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे अभी। बात चल रही है नाम के हवाले से और इसके साथ साथ नाम के हवाले से ये भी होता है कि कौन सा पत्थर
आपके लिए। जैसा से हम कहते हैं कि कौन सा वक्त है, उस हिसाब से एक नाम चूज़ किया जाता है आपकी शख्सियत को सामने रखते हुए, उस वक्त को सामने रखते हुए, उस दिन को सामने रखते हुए एक आपका जो स्टार बन जाता है उस हवाले से आपका एक नाम मुरतब होता है, एक नाम रखा जाता है पेरेंट्स की तरफ से। मगर ये भी होता है कि आपके नाम के साथ आपकी शख्सियत के साथ कुछ पत्थर होते हैं, लेकिन ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो पत्थर आपकी शख्सियत पर मुवाफिक आ रहे हैं या फिर गैर मुवाफिक हैं आपके लिए, वो आपको यानी कि सूट कर रहे हैं या आपको नहीं सूट कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारी बीमारियां, जैसा से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे इलाज कराते हैं अपने बीमार हो जाएँ, मगर कहते हैं कि जो आपके स्टोन्स होते हैं आपके आपकी शख्सियत के हवाले से, जो एक ख़ास स्टोन होता है आपका, उससे भी थेरेपी होती है, उससे भी बीमारियों का इलाज किया जाता है और वो आपकी शख्सियत पर कुछ ना कुछ असरात मुरतब करता है। मगर इसके अलावा जिससे से हम देखते हैं कि शायद बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होता, तो वो यही चाहते होते हैं कि उनको कौन सा पत्थर मुवाफिक है या जो उनको पत्थर है वो सूट नहीं करेगा, और वो पत्थर पहनने के शौकीन भी होते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि एक नाम होता है आपका जो माँ बाप की तरफ से रखा जाता है, उस नाम को सामने रखते हुए एक पत्थर आपका देखा जाता है कि ये आपके नाम के साथ ये वाला पत्थर जाएगा। तो वन एंड ओनली जिस तरह से हमने कहा था, हुमायूं महबूब साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरे सेगमेंट में भी, मगर इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में कुछ और भी गेस्ट मौजूद हैं, और आपको मेरे सामने जो पड़ी हुई टेबल है और इसके अलावा सामने वाली टेबल पर भी बहुत सारे स्टोन्स भी नज़र आ रहे होंगे, और ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये स्टोन्स क्या हैं, किस लिए हैं और इनके साथ क्या काम किया जा सकता है। हमारे साथ हसन यासीन साहब मौजूद हैं, थैंक यू सो मच हसन साहब। अगर हसन साहब की मैं बात करूं तो ये जेम थेरेपिस्ट हैं, यानी कि जो स्टोन्स के साथ थेरेपी की जाती है, या हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे जिस्म की बॉडी को हमारे को नॉर्मल रखने के लिए एक थेरेपी की जाती है, इन जेम्स के साथ बीमारियों का इलाज होता है, वो हसन साहब से जानेंगे। मगर मेरे जो दूसरे मेहमान हैं उनका नाम भी मोहम्मद हसन ही है, मगर उनका ये काम है कि वो एक्सपर्ट हैं जेम स्टोन के हवाले से। जैसे कि आपको बहुत सारे लोग हैं अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाते हैं, आपका नाम जो रखा गया है आपके नाम के साथ कौन सा पत्थर आपके लिए सूटेबल होता है, ये हम जानेंगे मोहम्मद हसन से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे हसन यासीन साहब से। अच्छा हसन यासीन साहब, ये मैं देख रही हूँ बहुत सारे पत्थर हैं इसमें, बहुत सारी आपने ज्वेलरी भी रखी हुई है, तो ये होता क्या है? मतलब मुझे इसका कभी नहीं पता, या मुझे मैंने कभी नहीं बहुत ज़्यादा सुना कि जी जेम के साथ भी आपकी थेरेपी हो जाती है, बीमारियों का इलाज होता है, तो ये कैसे मुमकिन होता है और इसका किस तरह से आपको पता चलता है कि किसके लिए आपने कौन सा पत्थर किस काम के लिए लगाना है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो पत्थर हैं, जेम स्टोन्स हैं, इन सब के अंदर ये केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में भी होते हैं जी। और इट्स जस्ट लाइक जिस तरह आप विटामिन जो हैं आप यूज़ करते हैं, जिनमें डिफरेंट किस्म के मिनरल्स हमारी बॉडी में भी हैं, और जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जिंक हो गया, पोटाशियम हो गया, डिफरेंट चीज़ें जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, डिफरेंट आदाद हैं उसके, डिफरेंट तादाद में हैं। अब ऐसा है कि जिस तरह स्टोन्स हैं वो भी अल्लाह के बनाए हुए हैं, हज़ारों साल ज़मीन के नीचे रहे और वहाँ से ये निकले, और अल्लाह की नेमतों में से एक हैं, और हर स्टोन के अंदर एक डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। अब अगेन ये एक लंबी हो जाएगी डिटेल, बट इन शॉर्ट हमें आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होती है तो कोई एलिमेंट आपकी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाती है। okay. तो लेट्स से आपकी बॉडी में किसी एक सॉल्ट की डेफिशिएंसी है तो कोई एक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए भी हो सकता है कि आपको एक सर्टन डाइट पसंद है, आप सर्टन डाइट में चीज़ें खाना पसंद करते हैं, सब्जियां कुछ पसंद नहीं करते, कुछ चीज़ें आप खाते हैं, आपका एक डाइट प्लान है, एक पैटर्न है बचपन से, और उसके नतीजे में क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स की। आज उसका जो हमें नॉलेज है उस हिसाब से फिर हम उनको वो स्टोन सजेस्ट करते हैं जिन जो उन केमिकल्स या उन मिनरल या सॉल्ट्स में उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी, और वो उससे पूरी की जाती है। हाँ जी, और उसमें ये है कि वो जब स्टोन आपको पहना दिया जाता है तो आप अगेन ये देखना होता है कि आपने एक डिफरेंट जिस्म के, जैसे आप हाथ में पहन रहे हैं तो आपकी हमारी हर उंगली जो है एक सर्टन ऑर्गन या एक सर्टन उसको सपोर्ट कर रही है। जिस तरह ये थर्ड है आपकी तो ये आपके हार्ट को जा रही है, तो ये हर एक का एक सर्टन फंक्शन है। तो इसलिए अब आपको अंगूठी भी जब पहनते हैं, जिस तरह लोग वेडिंग रिंग भी पहनते हैं, और जिस तरह एक ट्रेंड है तो वो तीसरी उंगली में पहनते हैं वेडिंग रिंग, जिसे कहते हैं वेडिंग फिंगर,
इसकी कोई रीज़न है? यहाँ से भी आपकी आर्टरीज डायरेक्टली जो है ना वो हार्ट में जा रही हैं, कनेक्टेड हैं। सो एक्यूपंचर वगैरह भी जब करते हैं वो भी इस फिंगर को ज़्यादा इसी तरह अगर कोई इशू हो, अब हम देखते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर हम बताते हैं कौन से फिंगर में पहनना है, कैसे पहनना है, कौन सा स्टोन पहनना है और क्या। और अगेन जो स्टोन आप पहनेंगे, ठीक है, उस स्टोन की एक तो हमें ये देखना होगा कि आपको कितने साइज का, कितने वेट का स्टोन पहनना है, कैरेट कितने कैरेट का, इससे वाकिफ नहीं होते कि इसका भी एक साइज होता है और किस तरह से जड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरह ही है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी को फ्लू हो गया या किसी को कोई छोटी बीमारी हो गई या कुछ हो गया, तो अब उसको वो डॉक्टर कहता है कि यार 3 दिन की डोज खानी है और इस डोज इतने mg होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही है कि वो जो हम आपको बताएंगे कि आपकी एलिमेंट के हिसाब से हम कहेंगे कि आप ना 8 कैरेट का स्टोन पहने या 4 कैरेट का पहने या 5 का पहने या 5 से थोड़ा ऊपर पहने, तो वो हम उसकी कैलकुलेशन घर के बताते हैं और ये हम आपको बताते हैं कि ये आपने इतनी देर तक के लिए पहनना है या उस पे जो भी हमें उसके मतलब बहुत सारी है। अच्छा हसन यासिन सब, बहुत सारी ऐसी स्वेयर किस्म की बीमारियां भी होती हैं, उसमें मैं बात करूंगी कि लोग उसमें कितने कनेक्टेड होते हैं इन स्टोन्स के साथ, इन इस किस्म की स्टोन की थेरेपी के साथ कि बीमारी का इलाज हो सके। मगर जिस तरह से स्टोन की बात चल रही है तो हमारे भाई अभी आपने भी गुफ्तगू सुनी। अच्छा हमारे भाई इस तरह से होता है, बच्चा जब पैदा होता है उसका एक खास स्टोन होता है कि जी ये उसका स्टोन है, हमें पता होता है कि ये इसको सूट कर जाएगा। अच्छा बहुत सारे लोग हैं हमारे भाई जिन्होंने एक हाथ में कई कई स्टोन्स पहने हुए होते हैं, उसकी क्या वजह होती है? मतलब शख्सियत पे तो आपकी एक सूट कर रहा होता है, मगर बहुत सारे लोग शायद हम देखते हैं कि बहुत सारे कामों के लिए इसमें ये पहन लिया, दूसरी फिंगर में ये पहन लिया, 5-5 उंगलियां उनकी भरी हुई होती हैं, उसका क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता आपकी शख्सियत पे? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखें अल्लाह ताला ने कायनात में आवाज़ दी। जी हमारे भाई मैं सुन रही हूँ आपको। मुझे आवाज़ दी। अच्छा आप सुनिए, देखिए अल्लाह ताला ने कायनात में कोई भी चीज़ जो है ना वो बेमसरफ और बेफायदा नहीं पैदा की। हाँ। पत्थर की अपनी अहमियत है, एक पत्थर आपके पाँव के नीचे, एक पत्थर आपकी उंगली में, एक पत्थर आपके सर के ताज बन के एलिजबथ मलका एलिजबथ क्वीन एलिजबथ के लगा हुआ है कोहिनूर हीरा, एक पत्थर आप जो है क्या कहना चाहिए हजरे अस्वद है जो इतना मुकद्दस है कि हर जायरीन और हाजी को उसको बोसा देना पड़ता है। एक पत्थर मकाम इब्राहिम है जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नक्श पाओ उस पर नक्श है, उसको लोग बोसा देना अपनी सादत समझते हैं। तो खाना काबा का पत्थर है, तो हर एक की अपनी अहमियत है। लेकिन पत्थर कब पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए पत्थर, अगर आप मेरे इल्म के हवाले से बात करती, मैं बहुत कम सजेस्ट करता हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि जायके के अंदर जैसे कि अगर किसी की केमिकल कंपोजिशन में थोड़ी सी डिफिशियंसी आ रही है तो मैं कहूँगा कि आप फलाएँ स्टोन पहन लें, और अगर ज़रूरी हुआ। और अगर ऐसा होता है कि मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ अल्लाह करता है, लेकिन अल्लाह ने हर चीज़ के एक अपने अपने उसी के हुक्म से असरात पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ कि यार इसकी किस्मत में ऐन मौके पर आने के वक्त कोई ना कोई रोड़ा अटक जाता है, तो मैं कहूँगा ये अल्लाह का नाम पढ़े और ये स्टोन आप फलां वक्त फलां घड़ी में पहन लीजिए, इसको पहन लीजिए। ये कोई वो पत्थर काम नहीं करेगा। होता क्या है, जो पत्थर के ऊपर कॉस्मिक रेस पड़ रही होती है वो इंसान की बॉडी के अंदर सलाहियतों को या तो इनहेंस कर रही होती है या डिटोरिएट कर रही होती है। और दूसरा, मैं उस वक्त तक पत्थर सजेस्ट नहीं करता जब तक मेरे पास उसकी सही डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ना हो, क्योंकि नामों पर लोग पहनते हैं, बहुत सारे लोग पहनते हैं। मैं कम से कम नाम पे नहीं, मैं डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ के ऊपर सजेस्ट करता हूँ। और ये आपका सवाल के लोग 4-4 और 5-5 पहन लेते हैं, वो आप समझ लें कि जिस तरह इंसानों में एक जगह पे आप 5 लोगों को जमा कर देंगी तो ज़्यादा इख्तलाफात होंगे, ये अपनी शख्सियत के अंदर जो है ना बिगाड़ पैदा करने वाली बातें होती हैं कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट पत्थर को टकरा रहे हैं। हाँ, अब देख रही होंगी आप स्क्रीन पर, आपको नज़र आएगा ये मैंने भी 3 स्टोन पहने हुए, लेकिन इसके पीछे कुछ वजूहात है।
इसमें से दो स्टोन इसलिए मैंने पहने में कि मैं बॉर्डर लाइन पे था डायबिटीज़ की, तो मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें एक स्टोन मेरा उस वजह से है कि जो मेरा प्रोफेशन है मेरी विजडम को इन्हांस करने के लिए, तो उसके रीज़न और होते हैं। मगर पहनना किसी मुस्तनद और सही जो आप एस्ट्रोलॉजर हैं उससे अप्रोच करें और उसको बताएं ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी टाइम ऑफ बर्थ है, तो मेरा क्या। और ज़रूरी नहीं कि आप स्टोन पहने, बार दफ़ा इंसान अपने हाथों में ऐसा पत्थर पहना हुआ होता है जो उसको अल्लाह माफ़ करे कब्र में घुसड़ने का बाइस बन रहा होता है, ये भी हो जाता है। अब जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको, अगर किसी को स्टमक का कैंसर है या किसी का पेट में इंटेस्टाइन कैंसर है या किसी के पेट के अंदर प्रॉब्लम रहता है और मैं उसको पहना दूं ब्लू सफ़ायर नीलम, तो ये समझ ले कि मैंने उसको और कब्र में भेजने का मौत का अल्लाह के माफ़ करे इंतज़ाम कर दिया। तो ये इस तरह ना पहने, पत्थर स्टोन उस वक्त पहने जब उसकी प्रॉपर इवेल्यूएशन हुई भी हो और कोई प्रॉपर आपको सजेशन मिली हो। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की हमारी भाई। अच्छा हसन यासीन साहब, यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी बात को, फिर हसन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा कुछ ऐसा होता है जिस तरह से कि प्रॉपर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, तो आपके पास लोग ऐसे आते हैं कि भाई शौकिया मुझे फलाना पत्थर बड़े अच्छे रंग का लग रहा है यार, ये मुझे ज़रा दे दो आप, ये मुझे अंगूठी में डाल दो। जी जी बिल्कुल आते हैं लोग ऐसे, और उसका एक सेकंड जो उसका जो अगला कह लें कि लॉजिक है उसके पीछे, जैसे हम ज्वेलरी डिज़ाइन भी करते हैं और मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हूँ, चीज़ें हम बहुत सारे स्टोन्स और लगे होते हैं ज्वेलरी के अंदर, ऐसा है कि स्टोन पहनना मीन्स कि आपने एज अ रिंग या एज अ लॉकेट उसको परमानेंटली पहन लिया, ठीक है। एंड ज्वेलरी जो है, अगर कोई भी स्टोन आप पहनते हैं फॉर फ्यू आवर्स और आपने पहना उतार दिया, या ज्वेलरी की इयररिंग्स आपने पहने या कोई पेंडेंट पहना, रिंग पहनी उतार दी, तो उसका एज सच इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अब अगर इम्पैक्ट होता है तो बहुत ही कम होता है, तो ना होने के बराबर। ज़्यादा काम करते हैं कि वो स्टोन्स पहनने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे आदमी हैं उनकी कहीं ना कहीं किसी ना फिंगर में कोई ना कोई स्टोन जड़ा हुआ होता है, वो पहन के फिर रहे होते हैं, तो वो शौकिया होता है सब। नहीं, कई दफ़ा शौकिया भी होता है, मगर ये है कि बहुत सारे लोग, ऑफकोर्स हर अकीदे के लोग हैं, कुछ लोग पसंद किसी के कहने पर कुछ किस तरह भी पहन लेते हैं। हाँ, जब वो हमारे पास गाइडेंस के लिए आते हैं कि जी हमें बताइए कि क्या पहनना चाहिए, क्या बेहतर है, तो फिर अपनी कह लें कि नाकस जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम बता देते हैं। अभी हम सीख रहे हैं, माशाल्लाह हुमायूं भाई बैठे हुए हैं, इनको अपनी फील्ड के बहुत तजर्बा है और माशाल्लाह बड़े रिस्पेक्टेबल, और बड़ा लास्ट टाइम भी इनसे बात हुई, माशाल्लाह चीज़ों को जिस तरह से उन्होंने गाइड किया उसमें कोई रह नहीं गया कि उसमें मज़ीद एक्सप्लेन करें। अगेन उन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे भी बढ़ा रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने बताया कि ये आप स्टोन्स कोई भी पहने, कोई भी चीज़ पहने, अगेन उसको स्टोन को थोड़ा टाइम चाहिए होता है आपकी बॉडी पे इफेक्ट्स होने के लिए, आपकी बॉडी पे, हाँ जी एग्जैक्टली, नहीं उसको इफेक्ट देने के लिए भी, गुड और बैड इफेक्ट देने के लिए, वो तो होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हसन जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होता, तो अक्सर ही हमें ऐसे लोग मिलते हैं या वो बेचारे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार मुझे मेरी अम्मी ने बताया था फलाने दिन को पैदा हुआ था लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है। तो ये आपके लिए किस तरह से मुमकिन होता है कि एक शख्स जिसकी आपको तारीख पैदाइश नहीं पता, जिसकी आपको दिन का नहीं पता, जिसके आपको वक्त का नहीं पता, और आप उसके लिए स्टोन सजेस्ट कर देते हैं, ये कैसे मुमकिन होता है? देखिए, इसमें बेसिकली होता ये है कि जिस तरह अभी हुमायूं सर ने बात की, वो जितनी भी बात कर रहे थे वो बता रहे थे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। मैंने एज अ जेम एक्सपर्ट जो सीखा है और जो मेरे पास नॉलेज है उसके अंदर जेमोलॉजी की फील्ड के अंदर जो है ना, इसको सजेस्ट किया जाता है नाम से। अच्छा। क्योंकि नॉलेज में इसमें ये मैं बताता चलूँ लोगों को कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हर 3 से 4 साल बाद एक कुदरत का निज़ाम है जो चेंज होता है। इसमें आपके स्टार्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशंस चेंज होती हैं। मूवमेंट उनकी हो जाती है। तो होता क्या है कि जब वो पोजीशन चेंज होती है तो उससे रिलेटेड जितने भी जेम स्टोन्स हैं वो उनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती है। तो नॉर्मली जिसको आप जो स्टोन बताएं फिर वो उससे डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जेमोलॉजी के अंदर ये है, और जो जवाहरात का जितना भी नॉलेज है उसके मजमूए में ये है कि जिस शख्स का कोई भी नाम है उसका जो फर्स्ट वर्ड है इन उर्दू फॉर्म के अंदर, उससे रिलेटेड जो भी जेम हो हम उसको बताते हैं कि आप वो पहने। जैसे किसी का नाम अनम है, अकरम है, अलिफ से, अब उस वर्ड के साथ 4-5 स्टोन्स हैं
एगेट है, रूबी है, सफ़ायर है, वो हम बताते हैं लोगों को कि आप ये पहन सकते हैं। उसका बेसिक फ़ायदा क्या होता है? उसका बेसिक फ़ायदा ये होता है कि उस नाम से रिलेटेड और उस स्टोन से रिलेटेड उस वर्ड में कुछ चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि हमारे माशरे के अंदर लोगों में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक मिस गाइडेंस भी फैल गई है और लोग कुछ मिस गाइड भी हो जाते हैं कि फलाना पत्थर पहनने से बिज़नेस अच्छा हो जाएगा, जॉब अच्छी मिल जाएगी और कुछ लोगों का है कि वाइफ अच्छी मिल जाएगी। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। बेसिकली मेरे साथ हसन सर बैठे हैं एज अ थेरेपिस्ट और हुमायूं सर ने भी सही कहा कि इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बेसिकली है केमिकल कंपोजिशन। Okay. ये जितना भी स्टोन है इसका केमिकल कंपोजिशन का बॉडी पे इफेक्ट आता है। अब जैसे एक एमरल्ड स्टोन है, ग्रीन कलर का होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन है ब्रिलियम, एल्युमिनियम और सिलिकेट। अच्छा, वो उसका कॉम्बिनेशन है जिससे वो बन रहा है। अच्छा, लेकिन हसन मुझे ये बताएं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दे दूं, मुझे हालांकि पता है लेकिन फिर भी मैं वैसे एज एन एग्जांपल अपने आपके सामने कोट कर रही हूं। जैसे मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद ना हो, मुझे अपना डे याद ना हो और शायद मेरे वालिदैन ने जो मेरा नाम रखा है वो शायद मेरी शख्सियत पर सूट ना कर रहा हो या मुझे वो सूटेबल ना हो, मेरे लिए मुश्किल ज्यादा पढ़ रही हूँ, तो मैं ऐसी सूरत में आपके पास आ जाऊँ कि हसन मुझे कोई पत्थर आप सजेस्ट करें जो मेरे नाम के, एक तो नाम मुझे वैसे सूट नहीं कर रहा, सही है, तो उस नाम के ऊपर आप पत्थर का इंतखाब कैसे करेंगे? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इंतखाब बेसिकली जो भी आपका नाम है, अब देखिए हमें नाम तो आपका रखा गया है, हमने तो उसको उस चीज से मशरूब करना है कि वो आपके लिए गुड हो जाए या आपको अच्छा फायदा पहुंचाए। तो अब आपका जो नाम का फर्स्ट वर्ड है ना, हम उससे रिलेटेड देखेंगे कि आपके नाम के साथ कौन से स्टोन्स हैं जो आपके नाम के साथ मंसूब होते हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं। लेकिन हसन मुझे तो मेरा नाम सूट ही नहीं कर रहा, मेरे लिए मुश्किलात हैं, मुझे रोज कुछ ना कुछ ऐसा बुरा देखने को मिल जाता है, मेरे काम उल्टे पड़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप मुझे पत्थर कैसे सजेस्ट करें? देखिए मैंने अगेन मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि स्टोन्स बेसिकली आपके हालात नहीं बदल रही या आपको कोई ऐसी चीज बेनिफिट नहीं दे रही कि आपको कहें कि जी मुझे तो ये फायदा हो गया। ये बेसिकली थेरेपी है आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कैम, यही मैं लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि इस चीज को ना इससे मशरूब करें कि लेकिन आप जो हसन बात कर रहे हैं, हमारी जो आवाम है पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर में जिन लोगों का ईमान है जो बड़ा बिलीव करते हैं पत्थरों के ऊपर, हुमायूं भाई मैं आपसे भी अगर यही सवाल करूँ कि मतलब मेरे शख्सियत पर मेरा नाम सूट नहीं कर रहा, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ का कुछ नहीं पता, तो ऐसी सूरत में मुझे पत्थर पहनना है ताकि मेरे अंदर जो कमियाँ हैं, जो मेरे रास्ते की मुश्किल हैं वो ख़त्म हो सकें, तो फिर मैं ऐसी सूरत में क्या करूं? वो लोग जो देख रहे हैं जिनको ये मसला है वो क्या करें फिर? देखिए आपके इस सवाल का जवाब भी मैं दे दूंगा और आपके इस मसले का मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मेरे पास मेरे अल्लाह के करम से और पंचन पाक के सत्ते मेरे असाज़ा मोहतरम ने इसका हल बताया हुआ है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, आपके पास नाम ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बड़ा भी घर में नहीं है जो आपको बताए, तो फिर उसके बाद मेरा एक तोड़ है जो हमारी जिसे कह लें वैदिक, और देखें इल्म कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो सिर्फ कॉलिंग की हद तक है, वरना तो मैं ये कहूँ कि जो एलोपैथिक साइंस है वो तो यहूदी और ईसाई है। तो एस्ट्रोलॉजी पे हिंदुओं ने बहुत काम किया है, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जिसका जो ड्यू क्रेडिट है वो उसको मिलना चाहिए। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका एक हल है, मैं ये देखूँगा किस लम्हे और किस घड़ी आपने अपनी ज़ुबान खोली है, यानी आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है वो किस लम्हे किया है, तो मैं उस वक्त की आसमान पे पोजीशन देखूंगा और मैं वहाँ ये देखूंगा कि उस वक्त किस प्लेनेट का आपके ऊपर गलत असरात पड़ रहे हैं और किस प्लेनेट की वजह से आपके ऊपर उसका रेमेडी की जा सकती है। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करके बताऊँगा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊँ, मैं जब किसी को सजेस्ट करता हूँ ना कि आप ये ले लीजिएगा जहाँ आप मुनासिब समझे, तो मैं पूछता हूँ कि आपका वेट कितना है, फिर मैं ये देखता हूँ उसकी कुंडली के अंदर उसका साइन कौन सी डिग्री के ऊपर पड़ा हुआ है वो प्लैनेट, फिर उसके हिसाब से मैं कहता हूँ आप 2 कैरेट 3 कैरेट 5 कैरेट वो वाला स्टोन, ये वाला स्टोन। ये बड़ा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ा अल्लाह ताला ने बड़ा पाकीज़ा और बड़ा महीन काम बताया है, और जाहिर है ये दोनों भाई अपने अपनी जगह पे बिल्कुल इनका भी अपना इल्म है, और वो पहले वाले साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह गुफ्तगू से भी उनके पता एक मैच्योरिटी पता चल रही है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन बात ये
अब जो मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, आजकल आपने देखा होगा, खैर इसका अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आजकल आपको बड़े लोग नज़र आते होंगे, जब एक रायचा बनता है तो उसके अंदर 23,500 एस्पेक्ट पर नजरात इन्वॉल्व होती है और लोग ठक ये आप पहन लीजिए या आप ये काम कर लीजिए, फिर उसके बाद 35 तरीक़ों से उसके हॉरोस्कोप को इवेल्यूएट किया जाता है, तो फिर आदमी आगे अपनी जुबान खोलना शुरू करता है कि आप ये करें या आपके साथ ये हो सकता है। और एक बात हर मुसलमान अपने जहन में ये मुसल्लम हकीकत बिठा ले, वरना वो शिर्क खफी हो जाता है कि तमाम अच्छाइयां तमाम बुराइयां मिन जानिब अल्लाह, इसकी औकात कुछ नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे मेरे सर में दर्द हुआ तो मैंने डिस्प्रीन खा ली या एस्प्रीन खा ली, या मुझे अगर टाइफाइड हो गया तो मैंने क्लोरमफेनिकॉल पी लिया, तो वो चीज़ जहन में रखे, ये एक आपके लिए सपोर्टिव एलिमेंट लाइक अ मेडिसन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी हतमी ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की, वो चाहेगा तो आपको फ़ायदा होगा और अगर वो नहीं चाहेगा तो दुनिया इकट्ठी हो जाए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मयूर भाई, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए निकाला। इंशाल्लाह फिर भी आपको इसी तरह से तकलीफ देते रहेंगे, आपका बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा अभी हसन यासिन साहब, जिस तरह से अभी मयूर भाई से भी हमारी बात, हसन आप भी मतलब ये अगर जिस तरह से कहते हैं कोई शख्स है वो 22 तारीख को पैदा हुआ, वो एक स्टार का एंड हो रहा होता है, दूसरे स्टार की वो स्टार्टिंग हो रही होती है, जो दो का मिक्सचर होता है उस पे स्टार कैसे आप लोग फिर फिट करते हैं कि आपको कौन सा पत्थर पहनना है? हाँ जी, वो कस्प होता है, वो हसन बेहतर उस पे गाइड करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। जहाँ तक हम लोग देखते हैं चीज़ों को, वो हम जिस तरह भी आपने सवाल किया था और एक दो चीज़ें ये हसन ने कही थी लास्ट, एक उसमें मैं आपको थोड़ा सा उस पर एलैबोरेट कर देता हूँ, लास्ट 2 मिनट्स होंगे बस। अच्छा, जल्दी हम करेंगे। बस उसमें इसी तरह ही है कि जो एक तो ये कह रहे थे कि नसीब नहीं बदलता और इस तरह के अगर वो हम पत्थरों से, बिल्कुल सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा है वो तो दुआओं से ही बदल सकता है अगर बदले। अदरवाइज़ जो ये आपकी ज़िंदगी में, लेट्स से आप कह रहे हैं हमारे बिज़नेस में तरक्की हो गई, काम में तरक्की हो गई, किसी और चीज़ में बेहतरी आ गई, उसका ये पत्थर रीज़न कैसे बनते हैं? रीज़न ऐसे बनते हैं कि अगर आपके कोई एलिमेंट है, ऐसी एलिमेंट है जिसकी वजह से आप सोच नहीं सही पा रहे, डिसीजन सही नहीं ले पा रहे, कैलकुलेट नहीं सही कर पा रहे, क्योंकि आप अंदर आपके अंदर कोई डिसम में जेन्युइनली हेल्थ प्रॉब्लम है मगर आपको नहीं लग रहा, ठीक है, वो नेगेटिविटी या हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपको मूड स्विंग्स की सूरत में भी सामने और डिफरेंट चीज़ें, तो वो आपको डिसीजन नहीं करने दे रहे, और डिसीजन ना करने की सूरत में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी होती हैं और आप नहीं पाते और वो मिस हो जाती हैं, और जिस तरह ये चीज़ करेक्ट होती है तो वो अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करना शुरू और अचानक आप कहते हैं कि बिजनेस में मुझे फायदा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे हसन लास्टली आप ये बताएं कि इस किस नाम ने कौन सा पत्थर पहनना है, इसका तयन कैसे होता है? देखिए, इसका तयन मैंने आपको बताया कि जो भी जिस शख्स का नाम है उसके नाम का फर्स्ट वर्ड, जैसे मैंने पहले बात की कि कोई लड़की है या लड़का है उसका अनम नाम है उसका, तो अलिफ से जो स्टोन्स इसके साथ रिलेट होते हैं वो हम बताते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अलिफ जो है इसके साथ 5 स्टोन्स हैं जो कनेक्ट होते हैं, इसमें मरजान है, मरजान का कुरान में भी जिक्र है, रूबी है, इसके बाद ओपल है, एगिट है और डायमंड। अच्छा, सरवत के लिए कौन सा पत्थर होगा? सरवत के लिए मैं आपको जरूर बताता हूँ, सरवत के लिए चेक करें जरा, ताकि मैंने कहा ब्रेक पे जाने से पहले अपना भी कुछ फायदा कर ले। सॉरी, इनकी बात थोड़ी सी बढ़ा दूं, सूरह रहमान में वर्स नंबर 22 में मरजान का जिक्र हुआ है, और बस वही ये तमाम कीमती पत्थर हैं और इस्लाम में भी कुरान में भी इनका जिक्र है। बस मेरा बता देता हूँ, आप 3 स्टोन्स पहन सकती हैं, ब्लू सफायर आप पहन सकती हैं, संगे हदीद एक स्टोन है वो आप पहन सकती हैं, और ब्लैक एगेट आप पहन सकती हैं। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे कहते हैं पश्पे सब्ज है, शायद वो मैं पहन सकती हूँ। चलो मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रही हूँ, ब्रेक से वापस आके हसन से और हसन यासिन साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगी। मुझे अभी ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो दिन की मुनासिबत के हवाले से बहुत ही खूबसूरत से मेहमान आज हमने मधु किए हुए, तो वो हमारे साथ शो के आगाज से एंड तक मौजूद रहेंगे। तो इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, सुबह सवेरे पाकिस्तान में छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बहुत सारे अच्छे मेहमान और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ रहेंगे। I'm sorry.
خوبصورت، بہت زیادہ حسین. کہتے ہیں کہ ذہن کے سکون اور اپنی روح کی پیاس کو مٹانے کے لیے صوفیزم سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. صوفیزم وہ رنگ ہے جو آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، اور اس کے لیے انتخاب کرنا پڑتا ہے کسی خوبصورت آواز کا، کچھ ایسے انسانوں کا، کچھ ایسے لوگوں کا جو آپ کی روح کی پیاس کو مٹانے میں، اس کو بجھانے میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں. ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں صبح سویرے پاکستان میں ان کو مدعو کیا ہے. زین اینڈ زہیب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بے حد خوبصورت آواز آپ دونوں کی. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے زین، یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی انسپریشن کون تھا، شوق کیسے ہوا، گھر والوں کی مرضی شامل تھی یا نہیں تھی، یا کسی سے آپ نے سیکھا. یہ وہ اہم سوالات ہیں جو ہر شخص جاننا چاہتا ہے. ایسے ہی انسپریشن جو ہے ہماری، یہ جتنے بھی ہمارے سننے والے بھائی ہیں، دوست ہیں، فینز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب ان سے ہم انسپائر ہیں سارے. اور باقی جو سوالات ہیں کہ گھر والوں نے ساتھ دیا نہیں دیا، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ قوالی سے ہے سارا، تقریباً 100 سال سے ہمارا خاندان قوالی کر رہا ہے. لیکن یہ تھا کہ والدہ جو تھیں وہ چاہتی تھیں کہ پہلے اسٹڈی کر لیں تو پھر جو کرنا ہے آپ کریں. والدہ ہمیشہ ہی ہر شخص کی جو ماں ہوتی ہے وہ زیادہ ٹچی ہوتی ہے. آپ نے نصرت فتح علی خان صاحب کا نام لیا، تو کبھی ان سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ زین کی ہوئی. اس بارے میں زین آپ کو اپنا جی زین آپ کی ملاقات ہوئی، کیسا پایا آپ نے ان کو؟ جی یہ میرے لیے بڑی بلیسنگز والی میموری ہے کہ الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. ایکچولی دادا وہ ان کے ساتھ سنگت پہ جاتے تھے لیفٹ ہارمونیم پہ، تو میں چھوٹا سا تھا، آئی تھنک 6 یا 7 سال. اچھا. تو مجھے اچانک ہی کہنے لگے کہ چلنا ہے ساتھ پرفارمنس پہ. میں کہا جی میں لازمی جاؤں گا. تو ہاں صاحب وہ میرا فرسٹ ظاہر ہے، چھوٹا تھا میں، لیکن مجھے یاد ہے اچھے سے کہ ہاں صاحب نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور بڑا پیار کیا. وہ چھوٹا سا ایک لمحہ تھا، لیکن وہ ایک ایسی میموری ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی میں وہ ایک یاد ہے، وہ تازہ رہے گی. بہت شکریہ آپ کا زین زہیب، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی صبح سویرے پاکستان سے ہمیں اجازت دیجیے. آپ سب مہمانوں کا بھی بے حد شکریہ. اپنا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پر ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. کل پھر سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.